हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। आज का वीडियो मेरा है, एक 32 इंच की जेब्रोनिक्स कंपनी का एलईडी टीवी है, तो इसमें फॉल्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अभी बैकलाइट अभी ऑन है इसमें, तो बैकलाइट ओके है, देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये है इसका मदरबोर्ड और ये पैनल है, ये सिंगल कप वाला पैनल है। तो ये मदरबोर्ड को आप देख सकते हैं, इस पॉइंट्स के आप देखिए एक मॉड्यूल लगा हुआ है, ये सीआरटी टीवी का मॉड्यूल इसमें किसने लगाया है देख सकते हैं, ये सीआरटी टीवी का मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है। और क्या देखिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें एक मॉस्फेट बर्निंग है, पूरी तरह से ये जल चुका है मॉस्फेट। तो माइक्रोस्कोप पे देख लीजिए ये किस तरह जला हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी आपको स्टेप वाइज चेक करना है, ये क्यों जला हुआ है इसको पहले समझना होगा। तो चलते हैं पैनल को टेस्ट करते हैं, पैनल वोल्टेज हम चेक करेंगे। नो डिस्प्ले कंडीशन पे है ये भी, तो ये देखिए अभी मैं टीवी को ऑन करता हूँ, अभी इंडिकेटर लाइट जला हुआ है, देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो ये अभी ऑन हो गया है, तो यहाँ पर देखिए इस होल पे आप देख सकते हैं ये बैकलाइट अभी जला हुआ है, तो बैकलाइट ऑन है अभी। तो पैनल वोल्टेज को हम टेस्ट करते हैं इस फ्यूज पे, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ये नो डिस्प्ले कंडीशन पे है। तो क्यों इसमें नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट पे भी देख लीजिए, ये एलबीडीएस केबल का रेड वायर है, तो यहाँ पे भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो सप्लाई को देखते हैं, ये बैकलाइट जो 34 वोल्ट आ रहा है एसएमपीएस से, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आना चाहिए, ये 11.65 वोल्टेज है। तो ये मदरबोर्ड पूरी तरीके से ऑन है, तो ये जो जला हुआ है इसकी वजह से इसमें पैनल का सप्लाई आउटपुट नहीं दे रहा है। तो पहले आपको ये टेस्ट करना है पैनल शॉर्ट है कि नहीं, तो शॉर्ट होने की वजह से भी ये बर्निंग हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सेटिंग को चेक करता हूँ, अभी देखिए 00 पे है, ये अभी पैनल शॉर्ट है देख सकते हैं, तो इसकी वजह से ये बर्निंग हुआ है। ओके, तो मैंने इसको एलबीडीएस पे डिस्कनेक्ट करके चेक करते हैं, तो ये ग्राउंड नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड को लगाया, ये देखिए ये अभी भी 000 पे है, तो पैनल अभी शॉर्ट है। तो फॉल्ट समझ में आया है, पैनल की शॉर्ट की वजह से ये इसमें लोड पड़कर ये बर्निंग हुआ है देख सकते हैं। तो पहले आपको पैनल को शॉर्टिंग को रिमूव करना है, ये देखिए शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए एक टेक ट्रिक है, तो ये ट्रिक पे देखिए किस तरह मैं ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास एक डीसी मशीन पे है, मैं इस पर किस तरह शॉर्टिंग को रिमूव करूँगा पूरी तरीके से देखिए,
मैं पहले इसको 0 वोल्ट पे ले जाऊंगा। तो धीरे धीरे इसको रिमूव बढ़ाएंगे वोल्टेज को। तो शॉर्ट कहाँ पे है, जो कंपोनेंट शीट होगा वो शॉर्ट है। तो मैं ग्राउंड दे दिया है, तो अभी ये देखिए मीटर प्रूफ को मैं लगा रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट पे है, तो मैं फ्यूज पे लगाऊंगा। तो फ्यूज पे लगाने से पहले आपको LVDS केबल को रिमूव करना है, ओके। तो ये देखिए मैं फ्यूज पे लगा रहा हूँ, अभी देखिए मेरा एम्पियर कितना ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.80 मिलियम्स ले रहा है, ओके। तो इस कंडीशन पे आपको वोल्टेज को वेरिएशन करना है। देखिए अभी 009 वोल्टेज पे है, मैं अभी सभी कंपोनेंट्स को हाथ लगा के टेस्ट करता हूँ कौन सा कंपोनेंट्स हीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायोड इसमें लगा हुआ है ये हीट हो रहा है, ओके। कंफर्मेशन के लिए मैं माइक्रोस्कोप पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं फ्लक्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लक्स लगा रहा हूँ और वोल्टेज रेंज को मैं रखता हूँ, ये देखिए फ्लक्स में लगाया। और DC मशीन पे वोल्टेज रेंज पे मैं 2 वोल्ट पे रखा हूँ और धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। ये देखिए 2.4 पे भी है, अभी मैं लगा रहा हूँ फ्यूज पॉइंट पे। तो फ्यूज पॉइंट पे मैं जब लगाया ये देखिए ये फ्लक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया ये 2.31 मिलियम्स ले रहा है। क्लियर कट पता लग गया है ये डायोड शॉर्ट है, ये डायोड अभी हीट हो रहा है, देख सकते हैं। तो पहले इस डायोड को मैंने रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये डायोड को मैंने अभी रिमूव करूँगा, ओके। तो देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ डायोड को, लाइव ही दिखा रहा हूँ आपको। सोल्डरिंग आयरन से मैं रिमूव करता हूँ, कोई ब्लोअर नहीं मैं यूज़ किया हूँ। ये देखिए ये रिमूव हो गया, ये डायोड पूरी तरीके से रिमूव हो गया है, ये है डायोड। तो अभी आपको शॉर्ट रिमूव हुआ है कि नहीं टेस्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं डायोड रेंज पर सिलेक्ट रखता हूँ और ये ग्राउंड प्रूफ दे दिया हूँ। तो ग्राउंड प्रूफ मैं दे दिया हूँ, ये देखिए 1.872, ये वैल्यू बढ़ गया है, ये शॉर्ट हट चुका है, ये ग्राउंड है। और दूसरे साइड 12 वोल्ट जो है ये अभी शॉर्ट रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स एक DC मशीन की मदद से किस तरह रिमूव किया जाता है शॉर्ट को, पूरी आसानी से रिमूव हो पाएगा इस DC मशीन की वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये है MOSFET बर्निंग हुआ है, तो मैंने इसको क्लीन कर चुका हूँ और इस बर्निंग कंपोनेंट्स को हटा चुका हूँ, ओके। तो अभी मैं LVDS को लगाया, ये देखिए 12 वोल्ट जो है LVDS कनेक्शन पे जो सप्लाई जाता है ये कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रेन पिन पे सप्लाई जाता है, मीटर को भी देख लीजिए, ये देखिए ड्रेन पे मैं लगा रहा हूँ।
ये है सोर्स, ये है गेट, तो इसमें गेट लो होगा, ये सोर्स टू ड्रेन पे वोल्टेज आउटपुट करेगा। ओके, ये ड्रेन लगा हुआ है LVDS कनेक्टर पर और ये सोर्स पे 12 वोल्ट आता है, जो डायोड 12 वोल्ट है यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है। यहाँ पे देख सकते इसमें कंटिन्यूटी है, मीटर को मैं ये देखिए, ये 12 वोल्ट से सोर्स पे कनेक्टिविटी है। ओके, तो अभी इसमें पी चैनल मॉस्फेट ही लगाना पड़ेगा, तो पी चैनल मॉस्फेट में लगाऊंगा। तो ये देखिए मैं मॉस्फेट लगाया, माइक्रोस्कोप भी देख लीजिए, इस तरह मैंने मॉस्फेट को लगाया, देख सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट करेंगे हमारा वोल्टेज आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 11.5 वोल्ट आ रहा है मॉस्फेट की ड्रेन पे पॉइंट पे 11.5 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी डिस्प्ले चेक करते हैं, ये देखिए LVDS में लगाया और ये फ्यूज पॉइंट पे देखिए ये 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो मीटर को गौर कीजिएगा, देखिए 11.4 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी वोल्टेज मिल गया, अभी डिस्प्ले चेक करते हैं डिस्प्ले का कंडीशन क्या है। तो ये देखिए बैकलाइट, अभी बैकलाइट ऑन है और ये जो पॉइंट देख रहे हैं व्हाइट वाला, इसमें AV2 लिखा है। ओके, मैं फिर से बंद करके लगा रहा हूँ, ये देखिए बंद कर दिया और लगाया, तो यहाँ पे देखिए वेलकम लिखा है, ये अभी पूरी तरीके से डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह स्टेप वाइज आपका काम करना है LED TV को, किसी भी LED TV हो फॉल्ट आसानी से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।